हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना डिजाइन पार्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मशीन कंपोनेंट से रिलेटेड डिजाइन ऑफ बेल क्रैंक लीवर को डिस्कस किया था, तो आज हम लोग एक नए मशीन कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, जिसे हम बोलेंगे डिजाइन ऑफ थ्रेडेड जॉइंट। दैट मीन्स हम लोग टाइप्स ऑफ थ्रेड या स्क्रू थ्रेड, नट बोल्ट थ्रेड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्रेडेड जॉइंट, डिजाइन ऑफ थ्रेडेड जॉइंट। तो पहले ये समझिए कि ये जो थ्रेडेड जॉइंट होते हैं, ये हमारे टेम्परेरी जॉइंट होते हैं। टेम्परेरी का मतलब ईजिली हम नट बोल्ट को टाइट कर लेते हैं और ईजिली रीओपन कर लेते हैं। टाइट और रीओपन करने में हमारा नट भी सेफ रहता है, बोल्ट भी सेफ रहता है, और जिन दो कंपोनेंट को लगाकर टाइट करते हैं वो भी सेफ रहते हैं। तो थ्रेडेड जॉइंट आर टेम्परेरी जॉइंट। ऐसा देखिएगा, थ्रेडेड जॉइंट आर temporary joint in which we are used, जिसमें हम लोग यूज करते हैं, देखिए सिंपल सा हम लोग यूज करते हैं, नट कॉमा बोल्ट कॉमा स्क्रू एंड वॉशर। नट बोल्ट कॉमा स्क्रू एंड वॉशर, तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए नट क्या होते हैं, बोल्ट क्या होते हैं, स्क्रू क्या होते हैं, वॉशर क्या होते हैं, देन आफ्टर इनमें जो थ्रेड बनेगी उस थ्रेड के टाइप्स क्या होते हैं और उन थ्रेड के एंगल कितने होते हैं, कैसे यूज की जाती हैं, उनकी डिस्कशन हम लोग पूरा करेंगे और वो फेल कैसे करती हैं। तो पहले देखिएगा, अगर हम बात करें नट की, नट एंड बोल्ट, तो हमारे क्या होते हैं, नट कुछ दो तरीके के बनाए जाते हैं। इस तरीके के एलिमेंट होंगे और जब ऐसा देखेंगे तो अंदर इस तरीके से होल होगा जिसमें यहाँ पे थ्रेड बनी होंगी। ये हमारा हो गया स्क्वायर नट, और इस तरीके से एक नट होगा हेक्सागोनल टाइप का। जब 3D में देखेंगे तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे हमारी थ्रेड कटी होंगी, इस तरीके से हमारी थ्रेड कटी होंगी। तो बेसिकली नट आर यूज्ड फॉर टाइटिंग द जॉइंट लाइक दैट। ऐसा देखिए, एक हमारे पास ये प्लेट हो जाए, एक ये प्लेट हो जाए, अगर इसमें हम रिवेट की बजाय नट बोल्ट लगाएं तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, जो एलिमेंट होगा ये हो गया नॉट। अब इसमें यहाँ से ये हमारी थ्रेड बनी होंगी, ये हमारी थ्रेड बनी होंगी, ये कुछ इस तरीके से होगा और इसमें इस तरीके से ऐसी थ्रेड बनी होगी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया बोल्ट और यहाँ पे हम लोग ऐसे नट को लगाकर इस पर टाइट कर देंगे। तो इस तरीके के जॉइंट को हम लोग बोलेंगे नट एंड बोल्ट जॉइंट। अब देखिए, टाइटिंग द जॉइंट, टू टाइप्स आर नॉट, टू टाइप्स ऑफ नट आर यूज्ड
फर्स्ट हमारा होगा स्क्वायर नट एंड सेकंड हमारा हो गया हेक्सागोनल नट। बहुत सारे नट होते हैं, विंग नट होते हैं, है ना, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्क्वायर नट एंड हेक्सागोनल नट, बेसिकली हम लोग इसी की डिज़ाइन करेंगे। बाकी हमारे आई बोल्ट हैं, आई नट हैं, विंग नट हैं, तो ये सब भी हैं। चलिए, अब इसमें जो नट होते हैं, नट में हमेशा इंटरनल थ्रेड कटी होती हैं, ऑलवेज इंटरनल थ्रेड्स आर इन नट। बोल्ट की बात करेंगे तो ये हमारा होता है बोल्ट इस तरीके से। अब थ्रेड यहां से कुछ सैंक छोड़कर बनी होती हैं, ये होता है हेड, ये होता है सैंक, और थ्रेड आपकी इस तरीके से कुछ छोड़कर बनी होती है ऐसे। अब इसमें ये थ्रेड कटी होंगे, यहाँ पर ये हमारी थ्रेड कटी होंगी, ये हमारी थ्रेड कटी होंगी, तो इस तरीके को हम लोग बोलेंगे, इसे बोलेंगे बोल्ट, और ये हमारा होगा नट। बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड होती हैं और नट में इंटरनल थ्रेड होती हैं। इन बोल्ट देखिए, ऑलवेज इंटरनल थ्रेड्स आर इन नट एंड ऑलवेज एक्सटर्नल थ्रेड्स आर इन बोल्ट। अब इसमें जो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड होती हैं, इनमें अभी हम आपको बताएंगे कि ये जो हमारा होता है, इसे अगर हम लोग बोल दें मेजर डायमीटर, तो यहाँ पे देखिए एक डायमीटर ये बनेगा, माइनर डायमीटर या नॉमिनल डायमीटर, और एक डायमीटर ये बनेगा मेजर डायमीटर, जिसे हम लोग DM और इसे हम लोग DN कहेंगे। तो यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ सैंक होगा, अब ये देखिएगा, फॉर बोल्ट डायमीटर ऑफ सैंक इज ऑलवेज इक्वल टू मेजर डायमीटर ऑफ सैंक। ये जो थ्रेड हमारी होगी, क्योंकि जब बोल्ट जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, जो थ्रेड का डायमीटर होगा इसकी ऑलवेज बराबर होगा या ग्रेटर होगा, कभी भी इसके नॉमिनल डायमीटर के बराबर नहीं होता है। तो फर्स्ट टाइप तो ये बनता है बोल्ट। सेकंड टाइप ऐसा बनता है, ये हो जाता है बोल्ट, ये हो जाता है आपका। अब इसके बाद यहाँ से जो थ्रेड आपकी कटती हैं, यहाँ से आपकी थ्रेड कटती है इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया आपका। अब इसमें ये थ्रेड हम लोग ऐसे काट देते हैं, इस तरीके से थ्रेड हम लोग काट देते हैं। इसमें नट आकर यहाँ तक बैठ जाता है, इस बॉडी में हमारा क्या होता है, ये क्लैंपिंग एलिमेंट लगा होता है। तो इस तरीके से पहले केस में, ये केस फर्स्ट और केस सेकेंड, केस फर्स्ट में जो मेजर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड होगा इज इक्वल टू होगा सैंक डायमीटर के। केस फर्स्ट सैंक डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड। और केस सेकंड हमारा होगा, सेकंड में ये हमारा होगा, जो सैंक का डायमीटर होगा वो ऑलवेज, ये देखिए सेकंड केस था, ये हो गया हमारा मेजर डायमीटर DM, और ये हमारा हो गया DN। DN तो वैसे ही कम है, लेकिन DM आपका
ऑलवेज भी लेस होगा इसके डायमीटर से, सैंग डायमीटर। तो इस तरीके से इन केस सेकेंड सैंग डायमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, ये हमारा होता है। तो इस तरीके से ये हो गया सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ नट एंड बोल्ट। अभी इसके अंदर का टाइप्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ते हैं, जैसे नट बोल्ट स्क्रू एंड वॉशर। स्क्रू हमारे क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से हमारे ये इनके हेड हो गए और इस तरीके से स्क्रू होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, इन पे ये हमारी थ्रेड्स कटी होंगी, इन पर ये थ्रेड्स कटी होंगी, इस तरीके से हो जाएगा हमारा स्क्रू। बेसिकली इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का यूज करके हम लोग रोटेशनल मोमेंट देंगे जिससे ये टाइट और लूज होगा। और इसे हम लोग कहाँ पे फास्ट एंड करते हैं, उड में करते हैं, मेटल में नहीं करते हैं। तो दिस इज ऑलवेज मैक्सिमम फास्ट एंड इन वुडन एंड प्लास्टिक, या वॉल्स में भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे होते हैं स्क्रू। और वाशर हमारे कैसे होते हैं, सिमिलर इस तरीके से, ये क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग सॉलिड मान लें तो इस तरीके से हमारे होते हैं वाशर। इनकी कुछ थिकनेस होती है और ये जो डायमीटर आप देख रहे हैं ये हमारा होता है डायमीटर ऑफ नट। ये जो बोल्ट हमारा जाएगा इस बोल्ट में वाशर को फिट कर देंगे तब यहाँ पे, अगर यहाँ वाशर लगाना हो तो पहले हम लोग यहाँ पे इस तरीके से वाशर लगा देंगे। देन अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे नट लगा देंगे। अब वाशर लगाने से होता क्या है कि सरफेस एरिया आपका ये इंक्रीज कर जाता है जिससे लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। हम फार्मूला जानते हैं, लोड इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, या यहाँ से प्रेशर P इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। जब एरिया की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक टोटल वैल्यू कम हो जाएगी, दैट मीन्स प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जो नट आपका प्रेशर लगा रहा है, और हमेशा कैसा प्रेशर लगाएगा, टेंसाइल प्रेशर लगाता है, इस तरीके से टेंसाइल प्रेशर लगाता है। नट एंड बोल्ट आर ऑलवेज इन टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पर देख लीजिए, नट एंड बोल्ट एंड बोल्ट आर इन ऑलवेज टेंसाइल स्ट्रेस। दैट मीन्स क्या होगा, ये नट आप लगा रहे हैं तो ये हमेशा टेंसाइल स्ट्रेस देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये हमने टाइट कर दिया है तो ये इसे अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन देने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से ये होता है हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रू वाशर नट एंड बोल्ट। अब हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि थ्रेड्स हमारे क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फेल कैसे करते हैं, फिर इसके बाद इन पर भी हम लोग आ जाएंगे। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग हेडिंग डालते हैं टाइप्स। पहले हम लोग डालते हैं थ्रेड क्या होती है, फिर उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसे हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं थ्रेड्स। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्रेड के बारे में। तो बेसिकली देखिए थ्रेड्स हमारी कितने टाइप की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं, एक्सटर्नल थ्रेड एंड इंटरनल थ्रेड। अगर इनके हम टाइप की बात करें तो फर्स्ट में ये दो तरीके की होती हैं, एक्सटर्नल थ्रेड एंड इंटरनल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड को हम लोग ईटी बोलते हैं और इंटरनल थ्रेड को हम लोग आईटी बोलते हैं। देख पहला तो ये हो गया थ्रेड अकॉर्डिंग टू जैसे हमारी थ्रेड होती है। सेकेंड अगर इसके टाइप की बात करें तो देखिए अगर नट को राइट हैंड आप घुमाइए और नट टाइट हो और लेफ्ट हैंड घुमाने पर मतलब क्लॉकवाइज घुमाने पर टाइट हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर लूज हो तो उसे हम लोग राइट हैंड नट बोलते हैं, राइट हैंड थ्रेड बोलते हैं। अपोजिट क्या होगा, अगर नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर टाइट हो और क्लॉकवाइज घुमाने पर लूज हो तो उसे हम लोग लेफ्ट हैंड थ्रेड बोलते हैं। तो सेकंड आपकी होती है, सेकंड का ए राइट हैंड थ्रेड। राइट हैंड में आपका क्या होता है, नट आर टाइट, नट एंड बोल्ट आर टाइट इन क्लॉकवाइज एंड लूज इन एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा हो गया। देख सेकंड हमारा होगा इसका बी पार्ट, राइट हैंड थ्रेड के बाद लेफ्ट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड हमारी क्या होगी, जैसे हम राइट हैंड में नट और बोल्ट को राइट डायरेक्शन में घुमाने पर उसी तरीके से इन दिस टाइप नट आर टाइट इन एंटी क्लॉकवाइज एंड लूज इन क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से ये हमारी थ्रेड होती हैं। अब इनके बेसिक नॉमनक्लेचर के बारे में समझते हैं, बेसिक नॉमनक्लेचर के बारे में समझते हैं। ये तो हमारी थ्रेड हो गई अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल, अकॉर्डिंग टू टाइटनिंग हो गई। इनके एंगल के अकॉर्डिंग भी हमारी कई थ्रेड होती हैं, शेप के अकॉर्डिंग भी होती हैं, तो उसे भी डिस्कस करेंगे। पहले एक सिंपल सा थ्रेड देख लेते हैं। थ्रेड आपकी क्या होगी, नॉमनक्लेचर ऑफ थ्रेड,
नॉमनक्लेचर ऑफ थ्रेड। पहले देखिए, ये मान लीजिए हम एक थ्रेड बना लें इस तरीके से, एक बना लें थ्रेड। थ्रेड हम लोग कैसे बना लें, ऐसी मान लीजिए हम बना लेते हैं। ऐसे थ्रेड हम लोग बना लेते हैं। इस तरीके के हम लोग थ्रेड बना लेते हैं। इस पे यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा होगा, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रीस्ट, और यहाँ पे देखिए ये जो डायमीटर होगा इसे बोलेंगे डीएन। डीएन मतलब नॉमिनल डायमीटर, और यहाँ देखिए ये जो क्रिस्ट हमारी है और ये जो क्रिस्ट हमारी है, इन दोनों क्रिस्ट के बीच जो डायमीटर बनेगा उसे हम लोग मेजर डायमीटर, या आप ऐसे देखिए ये जो डायमीटर बनेगा इसे बोलेंगे डी एन, और ये जो थ्रेड वाला डायमीटर बनेगा इसे बोलेंगे डी एम। तो मेजर डायमीटर हमारा वन क्रिस्ट से अनदर क्रिस्ट के बीच का पूरा सरकमफेरेंस होगा, इसे बोलेंगे डी एम, मीन्स मेजर डायमीटर, मेजर डायमीटर हो गया। आगे देखिए, मेजर डायमीटर के बाद यदि हम बात करेंगे एंगल ऑफ थ्रेड, तो ये जो हमारा बनेगा, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ थ्रेड। थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ थ्रेड, एंड ये हमारा होता है फेस, फेस इसे हम लोग बोलते हैं फेस। और देखें, वन क्रिस्ट से अनदर क्रिस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, कहीं भी देख लीजिए, एक क्रिस्ट से दूसरे क्रिस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग पिच बोलते हैं। दैट मीन्स पी इज पिच। और उसके बाद यहाँ से देखिए, इस थ्रेड पे इन दोनों के बीच एक, मान लीजिए हमने ये बना दिया, ऐसे देखिए एक इस तरीके से ये लाइन हमने बना दिया। सिमिलर यहाँ पर भी हमने ये बना दिया। इसमें क्या होगा, देखिए जैसे इसके बीच सेंटर से एक सर्किल जाएगा, नॉमिनल डायमीटर और मेजर डायमीटर के बीच से एक सर्किल जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे, ये जो सर्किल हमारा होता है इसे बोलते हैं पिच सर्किल। पिच सर्किल में ये डिस्टेंस हमारी इस गैप वाले डिस्टेंस के बराबर होगी, मतलब ऐसी जगह से इसको हम लेंगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो PC इज इक्वल टू पिच सर्किल होता है, और एक टर्म और आता है लीड। तो इस तरीके से ये हमारी होती है, इतनी टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी थ्रेड के बारे में। तो चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा होगा डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर, मेजर डायमीटर, एंगल ऑफ थ्रेड, पिच, पिच सर्किल एंड लीड। ये तो हमने बता दिया आपका, अभी इसके बारे में समझते हैं। लेकिन ये हो गया एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, लेकिन अगर इंटरनल थ्रेड बनी हो तो उसके लिए क्या होगा। तो इंटरनल थ्रेड आपकी ऐसे बनती है, इसे रिमूव कर देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो आप समझ गए। अगर इंटरनल थ्रेड हमारी बने तो उसके लिए कैसा होगा वो देख लीजिए। देखिए सपोज करिए इस तरीके से ये हो, यहाँ पर ये जो इंटरनल थ्रेड बनेगी ये हमारी ऐसी बनेगी। देखिए इस तरीके से हमारी इंटरनल थ्रेड
बनेंगी। इतना बड़ा दिखा रहे हैं, होता नहीं है, इससे थोड़ा छोटे छोटे होते हैं। अब इसमें देखिए, ये जो हमारा होगा ये क्रिस्ट होता है, दो क्रिस्ट के बीच आपका डायमीटर का साइज क्या होगा, कम होगा, तो ये नॉमिनल डायमीटर बनेगा। यही दोनों में डिफरेंस होगा। और ये हमारा क्या होता है, रूट होता है, वन रूट और दो रूट के बीच जो हमारा डायमीटर बनेगा उसे हम लोग मेजर डायमीटर बोलते हैं। बाकी सारी चीज़ें सही होंगी। ये हमारा होगा पिच पी, और इसके बीच ये जो डिस्टेंस हम लोग बनाएंगे इसे हम लोग बोलेंगे पी सी, पिच सर्किल। और ये हमारा हो जाएगा क्रिस्ट, ये हो जाएगा रूट। देखिए ये होता है रूट, ये होता है क्रिस्ट। तो इस तरीके से ये होगी हमारी, ये होगी हमारी इंटरनल थ्रेड और ये हो गई एक्सटर्नल थ्रेड। इन दोनों में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वन, नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर मीन्स डीएन। डीएन क्या होगा, द सर्किल, इमेजिनरी सर्किल होते हैं ये सब, इमेजिनरी सर्किल मेड बाई पासिंग थ्रू द रूट ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। एंड यहाँ से ये, यहाँ से एक सर्किल ये बनेगा ना, जब एक्सटर्नल थ्रेड होगी तो यहाँ पे आपका नॉमिनल डायमीटर बनेगा ये, और इंटरनल पिच, इंटरनल थ्रेड होगी तो यहाँ से आपका नॉमिनल, ये आपका एक क्रिस्ट और एक क्रिस्ट, ये क्रिस्ट और क्रिस्ट के बीच सर्किल बनेगा, और यहाँ पे रूट और रूट से सर्किल बनेगा। तो ये एक्सटर्नल थ्रेड के लिए अलग होगा, इंटरनल थ्रेड के लिए अलग होगा। तो ऐसे देखिएगा, द इमेजिनरी सर्किल मेड फ्रॉम रूट ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, फ्रॉम रूट ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड एंड क्रिस्ट ऑफ इंटरनल थ्रेड एंड क्रिस्ट ऑफ इंटरनल थ्रेड। ये होता है हमारा नॉमिनल डायमीटर। सेकेंड बात करेंगे मेजर डायमीटर डीएम, मेजर डायमीटर, मेजर डायमीटर डीएम। अच्छा देखिए, एक्सटर्नल थ्रेड के लिए जो इमेजिनरी सर्किल क्रिस्ट और क्रिस्ट से पास करेगा वो मेजर डायमीटर होगा, और इंटरनल थ्रेड के लिए जो रूट से पास करेगा वो मेजर डायमीटर होगा। दोनों के लिए अपोजिट होता है। तो द इमेजिनरी सर्किल made from crest in external thread and made from root in इंटरनल थ्रेड। ये हमारा हो गया मेजर डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर। आगे बात करते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा हो गया थ्रेड एंगल। नेक्स्ट हमारा हो गया थ्रेड एंगल।
देखिए थ्रेड में आपका ये वाला जो पोर्शन होता है, ये हमारा फेस होता है, ये भी हमारा फेस होता है, ये भी फेस होता है, ये भी फेस होता है, ये सारे फेस होते हैं। अब हमारा क्या होगा, जैसे ये थ्रेड हो गई तो ये हमारी थ्रेड की एक थ्रेड के फेस के बीच, देखिए ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, एक फेस आपकी ये हो गई, एक फेस आपकी हो गई, टू नियरेस्ट मतलब टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड के बीच के फेस के बीच के डिस्टेंस को थ्रेड एंगल कहते हैं। एंगल मेड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव फेस ऑफ थ्रेड, एंगल मेड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन फेस ऑफ थ्रेड, ये हमारा होता है। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे एक्मी थ्रेड के लिए 29 डिग्री, बटरफ थ्रेड के लिए 45, बीए थ्रेड 47, अलग अलग होती है। अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड ASA ASO है ना, अलग अलग होती है, उसको हम लोग अभी डील करते हैं। तो इस तरीके से हो गया थ्रेड एंगल। पिच की बात करते हैं, पिच पी, पिच आपका क्या होता है, देखिए ये जो आपका होता है एक क्रिस्ट ये हो गया, एक क्रिस्ट ये हो गया, दो क्रिस्ट दो पास के, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रिस्ट इज कॉल्ड पिच। दो नियरेस्ट क्रिस्ट के बीच के दूरी को पिच कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रिस्ट इज कॉल्ड पिच। पिच सर्किल जो हमारा होगा, पिच सर्किल हमारा कहाँ, यहाँ से पास करेगा, जहाँ से थ्रेड के बीच का गैप और थ्रेड का डिस्टेंस दोनों सेम होगा, वहाँ से एक सर्किल हमारा पास करेगा। जैसे देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम हो जाए, अगर यहाँ पे ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा और ये वाली कम हो जाएगी, अगर यहाँ पे ले लें तो ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा और ये वाली कम हो जाएगी। इसीलिए एक ऐसी डिस्टेंस सेट करते हैं जहाँ पर वो हमारा थ्रेड के बीच का गैप और थ्रेड की थिकनेस सेम हो, वहाँ से जो सर्किल पास करेगा उसे हम लोग पिच सर्किल कहते हैं। तो पिच सर्किल हमारा क्या हो गया, इट इज इमेजिनरी सर्किल, इमेजिनरी सर्किल विच इज पासेस पासेस थ्रो द डिस्टेंस गैप बिटवीन टू थ्रेड्स एंड थिकनेस ऑफ थ्रेड, थ्रो द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू गैप ऑफ थ्रेड एंड गैप ऑफ थ्रेड एंड थिकनेस ऑफ थ्रेड, ये हमारा होता है पिच सर्किल। लीड की बात करेंगे तो लीड हमारा क्या होगा, जैसे नट हो गया, एक नट को एक पूरा चक्कर हमने घुमाया तो वो आगे की ओर जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा उसे हम लोग लीड बोलते हैं। लीड मतलब इन वन रिवॉल्यूशन, नट को एक रिवॉल्यूशन घुमाने में हॉरिजेंटल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा उसे हम लोग लीड कहते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नट, डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय नॉट इन इन हॉरिजेंटल इन वन रिवॉल्यूशन. एक रिवॉल्यूशन घुमाने में नट को जितना हमारा क्या होगा डिस्टेंस हॉरिजेंटली ट्रेवल करेगा उसे हम लोग बोलते हैं लीड. अमूमन देखिए सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए ऐसे देखिएगा अलग अलग होता है. पिच इनटू वन पिच इज इक्वल टू लीड इनटू वन. डबल स्टार्ट के लिए इनटू टू. ट्रिपल स्टार्ट के लिए इनटू थ्री होता है. तो उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले इसे पूरा नोट कर लीजिए फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. ये देखिए जो हमने थ्रेड एंगल डिस्कस किया था इसके अकॉर्डिंग कुछ थ्रेड को डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप की थ्रेड होती है, कौन कौन से एंगल होते हैं, उनका शेप कैसा होता है. तो पहले आप क्या करिए इसे पूरा नोट करिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अपने थ्रेड एंगल के बारे में. चलिए अब इसे हम लोग रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस थ्रेड एंगल के बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं थ्रेड एंगल. टाइप्स ऑफ थ्रेड एंगल तो इनके अकॉर्डिंग थ्रेड को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं. दो तरीके से डिवाइड करते हैं. जो थ्रेड का हेड होता है ऐसे देखिएगा. यदि हम टाइप की बात करें तो बेसिकली थ्रेड को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं. पहली हमारी होती है वी शेप थ्रेड और दूसरी हमारी होती है स्क्वायर शेप थ्रेड. पहली हमारी होती है वी शेप थ्रेड और सेकेंड हमारी होती है स्क्वायर शेप थ्रेड. अब वी शेप थ्रेड का मतलब कैसी थ्रेड होगी जो हमारी ये बनी हुई है. स्क्वायर थ्रेड का मतलब ये होता है आपकी थ्रेड कुछ इस तरीके से बनी हुई जाएगी. इस तरीके से बनती जाएगी तो इसे हम लोग स्क्वायर थ्रेड बोलते हैं. तो इस तरीके से वी शेप और स्क्वायर शेप थ्रेड हमारी होगी. अब इनके अंदर की कैटेगरी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. इसके अंदर की थ्रेड को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. देखिए इस पे जो थ्रेड हमारी बनेगी जैसे बी एस डब्ल्यू थ्रेड इसका एंगल जो हमारा होगा वो होगा 55 डिग्री. सेकेंड हमारा होगा बी ए थ्रेड इसका जो एंगल होगा 47.5 डिग्री. नेक्स्ट हमारा होगा मैट्रिक थ्रेड. अब इनका पूरा नाम भी बता रहे हैं. इसका जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री और इस पे जो लास्ट हमारी होगी पाइप थ्रेड उसका एंगल हमारा होगा 55 डिग्री. पाइप थ्रेड
एंगल होगा 55 डिग्री। इनके पूरे नाम की जब बात करेंगे तो BSW का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंड, देखें ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ ऐसे कुछ बोलते हैं, और BA का मतलब होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, एक होती है ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड होती है, तो ये हमारी होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, और ये हमारी होती है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। तो इस तरीके से इनके पूरे नाम होते हैं, अभी नोट कर दे रहे हैं। स्क्वायर थ्रेड की अगर हम टाइप की बात करेंगे तो स्क्वायर थ्रेड में आपकी होती है, पहले तो एक बिल्कुल स्क्वायर थ्रेड होती है वो होगी स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का मतलब थ्रेड आपकी ऐसी जाएगी, जैसे आपने पावर स्क्रू में देखा हुआ है, पावर स्क्रू में जो आपने देखा हुआ है इस तरीके की थ्रेड जाएगी। अब इनमें जो थ्रेड का एंगल होगा वो देखें, या तो हम 90 डिग्री कह सकते हैं या तो 0 डिग्री कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा 90 डिग्री और 0 डिग्री, ये हमारा होता है। सेकेंड हमारी होती है नकल थ्रेड, नकल थ्रेड कुछ हमारी इस तरीके से होती है, ये भी आपके पावर में ही यूज की जाती है। कुछ इस तरीके से बनती है, ये थोड़ी सी उल्टी बन गई, इस तरीके से बनती है नकल थ्रेड। इसका भी उपयोग हम लोग किस में करते हैं, पावर में करते हैं। इस पे भी एंगल हमारा क्या होता है, कोई एंगल नहीं होता है, ये होता है नो एंगल। इसके बाद एक हमारी होती है एक्मी थ्रेड, बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक्मी थ्रेड का एंगल बताइए। तो एक्मी थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री। तो इस तरीके से एक्मी थ्रेड हो गया, एंगल आपका हो जाएगा 29 डिग्री। और एक आपकी होगी बटरस थ्रेड और ट्रेपेजोइडल थ्रेड, बटरस थ्रेड, ये सब थ्रेड आपकी इस तरीके से बनती हैं। ये इस तरीके से कुछ बनती हैं, इसे हम लोग ट्रेपेजोइडल थ्रेड बोलते हैं, ये ट्रेपेजोइडल आकार की होती हैं, ट्रेपेजोइडल थ्रेड। और ट्रेपेजोइडल थ्रेड का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। कौन सा एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, ये जो एंगल होगा 30 डिग्री होता है, मीन्स ये एंगल होता है 30 डिग्री। और एक हमारी होती है बटरस थ्रेड, इसका एंगल होता है, बटरस थ्रेड इसका एंगल होता है 45 डिग्री। तो इस तरीके से कुछ बेस थ्रेड का एंगल आपको याद करना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट थ्रेड का एंगल ही पूछ लिया जाता है कि किस थ्रेड में एंगल कितना होता है और कौन सी पावर। देखें जितने भी स्क्वायर थ्रेड होती हैं ये सब पावर ड्राइवर में यूज की जाती हैं, और ये सब लो पावर ड्राइविंग में, ये हैवी पावर ट्रांसमिशन में यूज की जाती हैं, और ये सब लो पावर ट्रांसमिशन में यूज की जाती हैं। जैसे आप देखेंगे लेथ मशीन का जो ब्लेड होता है वहाँ पे जो स्पिंडल लगे होंगे वहाँ पे आपको स्क्वायर थ्रेड मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारी होती हैं पावर ड्राइविंग यूज के लिए, और ये होती हैं लाइट वेटेड यूज के लिए। ये था हमारा टाइप्स ऑफ थ्रेड, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग हमारी थ्रेड कैसी होती हैं। तो इसे भी
नोट डाउन करिए, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। चलिए, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एंगल के अकॉर्डिंग थ्रेड। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बता देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अभी हमने आपको बताया लीड के बारे में, लीड हमारी क्या होती है, तो एक टर्न में जितना नट आगे बढ़ेगा उसे हम लोग लीड बोलते हैं। तो ये होता है लीड इज इक्वल टू एन इंटू पी आई टी सी एच होता है पीच, वेयर एन बराबर नंबर ऑफ ऑफ टर्न होता है, मतलब कितनी बार हम इसे टर्न करा चुके हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंगल स्टार थ्रेड के लिए लीड कितना होगा, डबल स्टार थ्रेड के लिए और ट्रिपल स्टार थ्रेड के लिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। फॉर सिंगल स्टार्ट थ्रेड, सिंगल स्टार थ्रेड के लिए लीड बराबर होता है, लीड इज इक्वल टू वन इंटू पिच, और डबल स्टार्ट के लिए, डबल स्टार्ट थ्रेड के लिए लीड इज इक्वल टू टू इंटू पिच के होता है, बेसिकली तीन स्टार्ट हम लोग लेते हैं, और ट्रिपल स्टार्ट के लिए ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड के लिए लीड इज इक्वल टू होगा, आप समझ गए होंगे, थ्री इंटू पिच। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, लगभग अक्सर तक इससे क्वेश्चन आपका पुट अप कर लिया जाता है। तो ये हमारा होता है स्टार्ट ऑफ थ्रेड। अब एक क्वेश्चन मान लिया, ऐसे पूछ लिया जाए कि बेसिकली इस थ्रेड को हम लोग किससे स्पेसिफाई करते हैं, नॉमिनल डायमीटर से कि मेजर डायमीटर से, तो ये ध्यान रखिएगा कि थ्रेड को हमेशा मेजर डायमीटर से स्पेसिफाई किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट में ये भी नोट करिएगा, थ्रेड इज ऑलवेज स्पेसिफाइड बाय मेजर डायमीटर, है ना, थ्रेड इज ऑलवेज स्पेसिफाई बाय मेजर डायमीटर ऑफ सैंग, सैंग के मेजर डायमीटर से हम थ्रेड को स्पेसिफाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी जब डिजाइन प्रोसेस की बात करेंगे तो उसमें हम लोग करेंगे कि जैसे मान लीजिए BSW थ्रेड है, हमने एंगल कितना ले लिया 50 डिग्री, सपोज करिए, सिंपल सा आपको थोड़ा सा समझा दें ताकि आगे के लिए, सपोज करिए BSW थ्रेड मान लीजिए इस तरीके से बनी हो, तो इसमें जो डिजाइन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, जैसे ये हो गया BS, ऐसी थ्रेड आपकी हो गई। अब यहाँ पे ये जो थ्रेड की थिकनेस है, देखिए ये जो थ्रेड की थिकनेस है, इसे अगर हम लोग बी मान लें, विड्थ ऑफ थ्रेड, और यहाँ से लेके यहाँ तक पिच हो जाए, और यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट ऑफ थ्रेड हो जाए, तो ये कितने होंगे, इनकी वैल्यू कितनी होगी, और ये हमारा क्या हो जाए, पिच सर्किल हो जाए, तो ये पिच सर्किल हमारा कितना होगा। बेसिकली हम लोग
इसी की डिज़ाइन सीखेंगे BSW थ्रेड के लिए, BA के लिए, मेट्रिक के लिए, पाइप थ्रेड के लिए, स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड, एक्मी थ्रेड और ट्रेपेजोइडल और बटरस थ्रेड के लिए। इसका पूरा नाम जरूर लिखिएगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ होता है, वो लिख लीजिएगा। ये होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखें BSW और BA। BSW का नाम होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ, और BA हमारा होता है ब्रिटिश एसोसिएशन स्क्रू थ्रेड, क्योंकि इसका उपयोग जो स्क्रू पैच होते हैं उसमें किया जाता है। तो इस तरीके से ये होता है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड डिजाइन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और इसके फिल्लोर के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में हम लोगों ने केवल ये जाना कि बेसिक थ्रेड हमारी क्या होती है और वो बेसिक कितने टाइप की होती हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इन एक एक थ्रेड के डिजाइन पार्ट को डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको डिजाइन करते हैं और इनको हम लोग कैसे सेफ रखेंगे अपने फेल्योर से पहले। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।